भव्यता और दिव्यता का अनूठा संगम। ऐसी ही अनुभूति का गवाह बनने जा रही है तीर्थ नगरी हरिद्वार, जहां इस अलौकिक महाकुंभ का हो रहा है आयोजन। इस विशाल मानव समागम को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए प्रहरी बनकर अपनी बेजोड़ और बेमिसाल तैयारियों के साथ आपका स्वागत कर रहा है उत्तराखंड वन विभाग। हमारे पूरा वन विभाग मुस्तैदी के साथ लगा है, और जब भी कभी कोई हाथी या कोई इस तरह के हमारे जंगली जानवर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हमारे वन विभाग ने पूरी रात दिन मेहनत करके हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने, लाखों लोग जब कुंभ क्षेत्र में आते हैं तो किसी के साथ कुछ दुर्घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हम पूरी तैयारी करते हैं। विशाल जंगलों और वन्य जीवों से भरे कुंभ मेला क्षेत्र का बड़ा हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से जुड़ा है। लेकिन महाकुंभ में ना हो कोई दुर्घटना या समस्या, इसके लिए उत्तराखंड वन विभाग मुख्य वन संरक्षक यानी हॉफ राजीव भर्तरी, गढ़वाल और कुंभ मेला के नोडल अधिकारी सुशांत पटनायक के कुशल निर्देशन में वन विभाग ने पूरी कर ली है सभी तैयारियां। उत्तराखंड वन विभाग की एक्सपर्ट टीम वन्य जीवों से भरपूर हरिद्वार के महत्वपूर्ण इलाकों की किलेबंदी कर वॉच टावर और सुरक्षा दीवार के जरिए कुंभ क्षेत्र को सुरक्षित बना रहे हैं। दीवार जो है हरिद्वार डिवीजन में ये 900 और 600 मीटर की दो टुकड़ों में बनी है, उसके ऊपर सोलर फेंसिंग भी है। उसके बाद गैबियन स्ट्रक्चर जो ये करीब 30 गांव को बचाने के लिए पंजड़हेनी वाले स्थान में वो 3 किलोमीटर के लिए बने हुए हैं, 3 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर के करीब जो है सोलर फेंसिंग स्थापित की गई है। यहां तैनात हैं अत्याधुनिक संसाधनों से लैस जाबाज वनकर्मी। दिन हो या रात कुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है वन विभाग की ट्रेंड और हाईली इक्विप्ड रेस्क्यू टीम। जंगली हाथी फ्री जोन, ऊंची पत्थरों की दीवारों के साथ साथ सोलर फेंसिंग कर वन विभाग ने कुंभ मेला क्षेत्र में किया है साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जो DFO हरिद्वार हैं और उनके नेतृत्व में जो कर्मचारी हैं, उन्होंने एक समय से और उच्च कोटि का काम किया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। टेंट स्थल, पार्किंग और आसपास के इलाकों में बनाई गई ये हाथी सुरक्षा खाई किसी भी आपातकालीन समय में बेहद कारगर साबित होगी। 7 से 8 कर्मियों की 16 टीमें पूरे मेला क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। हाईटेक इक्विपमेंट से लैस टीमें पेट्रोलिंग के साथ साथ हाईवे पर भी पैनी नजर रख रही हैं। हमारी मिटिगेशनल मेजर है जो हाथियों को नियंत्रित करने के लिए, बंदर और सुअर कुलदान को नियंत्रित करने के लिए, ताकि वो कुंभ क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए। इसके साथ साथ हमारी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स बनी है जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स है, और इमरजेंसी सिचुएशन होने पर वन्यजीव को ट्रैंकुलाइज कर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी हमारे प्रशिक्षित कर्मचारियों की टीम गश्त पर है तैनात। जंगली जानवरों की हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखने के लिए 8 चौकियां भी संवेदनशील क्षेत्रों में बनाई गई। करीब करीब 8 हमारा चौकी बना है और 8 ही हमारा वॉच टावर्स भी बना है,
और इसके बाद 16 टीम बनाया गया है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, और मेडिकल टीम भी हमारा वेटनेरियन के साथ 2 टीम बना हुआ है। बंदरों से न पड़े आपकी कुंभ यात्रा में कोई विघ्न, इसके लिए भी वन विभाग ने किए हैं पूरे इंतजाम, और प्रशिक्षित 3 सदस्यीय टीम भी मेला क्षेत्र में है मुस्तैद। प्रभाग कंट्रोल रूम में 2400 घंटे वायरलेस इंटरनेट दूरभाष पर वन्य जीव संबंधी किसी भी सूचना के लिए वन कर्मी तैनात किए गए हैं। शिवालिक वृत्त के वन संरक्षक प्रसन्न कुमार पात्रों के समय समय पर दिए जा रहे प्रभावी सुझावों और उच्चाधिकारियों के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड वन विभाग कुंभ आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए है प्रतिबद्ध। इसके साथ ही जनता में एक जन जागरूकता का पूरा प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि हम अपने टेलीफोन नंबर्स हैं, हमारे डिवीज़न का टेलीफोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, जिसपे कोई भी आदमी किसी भी तरह के वन्य प्राणी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसकी सूचना दे सकता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है हरिद्वार डिवीज़न का, कोई भी आदमी इस नंबर पे किसी भी तरह की वन्य प्राणी से संबंधित कोई समस्या है सूचना दे सकता है। उत्तराखंड वन विभाग का प्रयास सुखद सुरक्षित हो आपका कुंभ प्रवास।